भी शुरू होती है और हमें शहर हवाना को दिखाया जाता है, जहाँ के रहने वाले लोग उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। और फिर आंद्रेस को दिखाया जाता है, जिसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। लेकिन इन सबसे भी प्यारा कोई है, जिसका नाम है बीवो, जो कि एक इंकासो मंकी है। और बीवो इतना क्यूट है, आपको देखते ही उससे प्यार हो जाएगा। बीवो आंद्रेस का दोस्त है। वो और आंद्रेस रोज शाम को मिलकर हवाना के शो पर अपना म्यूजिक शो दिखाते हैं। और उन दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की है। आज भी वो दोनों अपना शो ही दिखाने आए हैं। और हवाना के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आंद्रेस अपने सुर से सबका दिल जीत लेता है। और बीवो के बारे में क्या ही कहें, उसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं और उसके ढुमके पे तो सारा हवाना झूम उठता है। बीवो शो करते हुए बताता है कि वो गलती से शहर में आ गया और वो बिल्कुल अकेला था, जहाँ उसके पीछे खतरनाक कुत्ते पड़ गए थे। और फिर आंद्रेस ने उसे बचाया और आंद्रेस उसे अपने घर ले गया। अब उनका शो खत्म हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आंद्रेस को एक लेटर देता है। आंद्रेस उस लेटर को खोलता है। वो लेटर मार्ता का होता है, जिसमें वो आंद्रेस को अपने लास्ट शो में अपने साथ गाना गाने के लिए मायावी मेम्बू बुलाती है। मार्ता आंद्रेस की बहुत पुरानी दोस्त है और वो दोनों साथ में ही गाना गाया करते थे। सभी आंद्रेस के मुंह से मार्ता का नाम सुन के कहते हैं, तुम्हें जरूर मार्ता के पास जाना चाहिए। पर बेचारा बीवो ऐसा नहीं चाहता था और वो सबको समझाने की कोशिश भी करता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कोई उसकी बातों को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि आखिरकार वो था तो एक मंकी ही। फिर बीवो और आंद्रेस घर आ जाते हैं। आंद्रेस बीवो को मार्ता के बारे में बताता है और उसे अपनी और मार्ता की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर बीवो कहता है, अच्छा आप भी कभी जवान थे, मुझे तो लगा आप बचपन से ही बूढ़े हो। आंद्रेस कहता है, मैं मार्ता को बहुत पसंद करता था, मैं उसे ये बात बताने ही वाला था। लेकिन तभी मार्ता को मायावी मेम्बो में गाना गाने का ऑफर मिल गया। मार्ता बहुत खुश थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से रुक जाए और मैं उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाया। और मार्ता चली गई। फिर मैंने उसे उसके जाने के गम में एक गाना लिखा। आंद्रेस बीवो से कहता है, अब मैं उसे अपना गाना सुनाऊंगा, हम दोनों मायावी मेम्बो जाएंगे। और आंद्रेस बैग पैक करने लगता है, पर बीवो ऐसा नहीं चाहता था कि वो मायावी मेम्बो जाए। वो बहुत उदास हो जाता है, पर आंद्रेस बीवो से कहता है कि मुझे ये गाना मार्ता तक पहुँचाना ही होगा, ताकि उसे पता चल सके कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। पर बीवो आंद्रेस से गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे याद आता है कि आंद्रेस ने उसे कैसे अपना प्यार दिया, जिससे उसे याद आता है कि उसे आंद्रेस के प्यार के पास जाने से नहीं रोकना चाहेंगे। और प्यारा बीवो बैग पैक करने लगता है। सुबह बीवो आंद्रेस के पास आता है, पर आंद्रेस इस दुनिया से जा चुके थे। तभी आंद्रेस का मार्ता के लिए गाना बाहर उड़ जाता है। बीवो उसके लिए पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। और रात को सभी आंद्रेस को आखिरी अलविदा कह रहे थे, जहां आंद्रेस की रिश्तेदार भी आई होती है, जिसकी बेटी गैब्रिएला होती है। गैबी बीवो के पास आती है और उससे बात करती है। वो अपने साथ फ्लोरेरा जाने को कहती है, पर बीवो उसे इग्नोर कर देता है। बीवो आंद्रेस को आखिरी अलविदा कहता है और डिसाइड करता है वो आंद्रेस का गाना मार्ता तक जरूर पहुंचाएगा। फिर वो गैबी के साथ जाने का सोचता है, पर गैबी की माँ बीवो को अपने साथ ले जाने से मना कर देती हैं। तभी बीवो उनके सामान के बीच छिप जाता है और उनके साथ फ्लोरेरा के घर पहुंच जाता है। गैबी की मॉम गैबी को एक यूनिफॉर्म देती है और उसे कुकी बेचने जाने को कहती है। गैबी को ये सब चीजें बोरी लगती है, उसे तो अपने दादू आंद्रेस की तरह गाना गाना पसंद है। वही बीवो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पूछ बैग में ही फंस जाती है। फिर वो बैग को हिलाने लगता है, ये गैबी भी देख लेती है। फिर वो बैग को लुढ़काते हुए गैबी के रूम में ले आता है। गैबी भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाती है और उस बैग को खोल देती है।
गैबी बैग में बीवो को देखकर बहुत खुश होती है, पर बीवो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गैबी उसे पकड़ लेती है और फिर वो गैबी को अपना गाना सुनाती है। पर बेचारा बीवो गैबी का गाना सुनकर परेशान हो जाता है। बड़ी मुश्किल से बीवो से बचकर बाहर निकल आता है। वहीं गैबी को मार्ता का लेटर मिल जाता है, जो कि मार्ता ने आंदीस को भेजा था। वहाँ वो मयावी के बस में चढ़ जाता है, पर बस वाला उसे बस से बाहर निकाल देता है। बेचारा बीवो के पीछे डॉग पड़ जाते हैं और लौट फिर के बीवो गैबी के पास ही पहुँच जाता है, जहाँ गैबी उसे कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। बीवो भी आंदीस का लिखा हुआ गाना उसे दिखाता है। गैबी उसे पढ़ने लगती है। अब गैबी डिसाइड करती है वो बीवो को माता के शो में जरूर पहुँचाएगी। पहले तो गैबी वहाँ जाने के लिए अपनी मॉम से जिद करती है, पर उसकी मॉम वहाँ जाने के लिए साफ मना कर देती है। पर गैबी खुद ही बीवो के साथ अपनी साइकिल से निकल जाती है। रास्ते में उसे कुकी बेचने वाली अपनी पार्टनर भी मिलती है। गैबी उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे देख लेती है। वहाँ गैबी उनसे बचने के लिए बीवो से मिलवाती है, पर वो गैबी से कहती है, क्या तुमने इसे वैक्सीन लगवाई, हमें इसका सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सुनकर गैबी वहाँ से भाग जाती है, पर तभी उसकी मयावी जाने वाली बस छूट जाती है। गैबी उसका पीछा करती है, पर वो लड़की उसके पीछे ही पड़ गई थी, क्योंकि वो बीवो की देखभाल करना चाहती थी। वहीं गैबी और बीवो गलती से पुल से गिरकर सैंड से भरे एक जहाज में गिर जाते हैं, लेकिन वो लड़कियां भी वोट लेकर उसके पीछे जाने का डिसाइड करती हैं। अब गैबी और बीवो जुगाड़ लगाकर उल्टे पुल्टे काम करके अपनी मंजिल मयावी के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गैबी की मॉम को पता चल जाता है कि गैबी मयावी के लिए निकल पड़ी है और उसे उस पे बहुत गुस्सा आता है। वहीं गैबी और बीवो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, साथ ही वो गाना भी गा रहे थे। तभी जोरों से बारिश होने लगती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं और आंदीस का गाना भी गैबी के पास ही चला जाता है। अब बीवो गैबी को हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बर्ड मिलता है। बीवो उससे हेल्प मांगता है, पर बेचारा वो तो खुद ही परेशान होता है, क्योंकि डेड सीजन आ चुका था पर उसे अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिली थी। वो उसके हेल्प करता है और उसके लिए एक पार्टनर ढूंढ ही निकालता है। वो अपनी पार्टनर के साथ उड़ जाता है और इसी बीच माता को दिखाया जाता है। वो बेसब्री से आंदीस का आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो आंदीस की दुनिया से जाने से अनजान थी। वहीं गैबी विवो को ढूंढ रही होती है और वो उस गाने को भी खो देती है, पर तभी कुकी बेचने वाली पार्टनर वहाँ आ जाती है और वो गाना भी उन्हीं के पास होता है। वो गैबी से गाने के बदले बीवो को मांगती है, पर गैबी कहती है उसने उसे खो दिया। अब वो सब मिलकर बीवो को ढूंढने लगते हैं। वहीं बीवो बहुत परेशान होता है। तभी उसे एक छोटू सा कीड़ा मिलता है, जो कि उसे चुप रहने को कहता है। बीवो गुस्से से उसे कहता है, क्या तुमने मुझे चुप 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 रहने को कहा। वो और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बीवो को खाने लगता है। बीवो उससे बच के भागता है, पर वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी उसका दोस्त यानी वही बर्ड आ जाता है। वो और उसके पार्टनर उसकी हेल्प करने का वादा करते हैं। वहीं गैबी बीवो को ढूंढ रही होती है, पर तभी उसके पीछे वही सांप पड़ जाता है और बीवो वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उस सांप को अपनी चालाकी से मजा चखाता है। गैबी बीवो को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं गैबी की पार्टनर बीवो की हेल्प करने की बात करती है, पर गलती से वो गाना खो देती है। वो पानी में गिरकर खराब हो जाता है। बीवो उसे देखकर बहुत उदास हो जाता है। वहीं मार्ता को पता चल जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। बीवो गैबी और वो लड़कियां उदास होकर घर वापस जाने लगते हैं। बीवो बहुत दुखी होता है। तभी गैबी उस गाने को गुनगुनाने लगती है, पर बीवो को उसका गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गैबी को गाने की धुन सुनाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ठीक से गाना चाहिए। और तभी उन दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है कि गैबी को गाने की बोल पता है और बीवो को गाने की धुन पता है। इसका मतलब वो गाना खोया नहीं है। और वो बोट को मयावी की तरफ घुमा देते हैं और फिर भी गाने को फिर से लिखने लगती है। वहीं गैबी की मॉम भी मयावी पहुंच जाती है और उसे ढूंढ रही होती है।
गैवी और बीबो भी मायावी पहुंच जाते हैं। गैवी को उसकी मॉम देख लेती हैं। गैवी वहां से भागने लगती है। गैवी किसी तरह बीबो को मार्टा तक पहुंचा देती है और उसे अपने बेस्ट फ्रेंड का पैक देती है। बीबो मार्टा के पास आता है। मार्टा बीबो को पहचान लेती है क्योंकि उसने आंदीज के फोटो में देखा था। बीबो मार्टा को आंदीज का लिखा हुआ गाना देता है। मार्टा उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और बीबो को गले लगा लेती है। वो बीबो से कहती है आंदीज को तुम पे बहुत प्राउड होगा। बीबो भागते हुए गैवी के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अब गैवी की मॉम भी उससे नाराज नहीं होती है क्योंकि गैवी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो उन्हें गले से लगा लेती है और उन्हें लेकर मार्टा के शो में पहुंच जाती है जहां मार्टा आंदीज का लिखा हुआ गाना गा रही थी। इसे सुनकर बीबो भी इमोशनल हो जाता है और उसे आंदीज नजर आते हैं। अब गैवी और बीबो को फिर से दिखाया जाता है क्योंकि अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब वो दोनों फ्लोडेरा चौक पर जाकर धमाल मचाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोजाना इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।